हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता फैमिली। और कैसे हैं आप सब? आज का जो मेरा रिव्यू है वो बेसिकली हेयर फॉल को लेके है। बहुत लोग परेशान हैं जब उनके हेयर फॉल, और ख़ासकर इस मौसम में जब बारिश भी हो रही है और गर्मी पड़ रही हो, चिपचिपा वेदर हो, तो इस टाइम तो हेयर फॉल बहुत ही होता है और बालों की ना एकदम दूर दशा हो जाती है। तो आज का जो मेरा रिव्यू है वो बहुत ही कहते ना कि ऐसा ब्रांड है कि उसको सब लोग जानते हो, तो ज़्यादा सीक्रेट ना रखते हुए मैं बता देती हूँ। वो है वाओ, और वाओ ब्रांड आई थिंक सब लोग जानते हैं इतना, मतलब वो मम्मा अर्थ वाओ और ये सब ब्रांड ना लगभग हर दूसरा बंदा तो जानता ही जानता है, सबके मतलब दिमाग में नाम आते हैं हाँ ये वो ब्रांड है। तो आज का मेरा रिव्यू है वो है वाओ ओनियन शैम्पू का, कि वो कैसा है बेसिकली और मैंने कैसे ऑर्डर किया था, मुझे कैसे मिला। तो मैं बता दूं गाइस कि ये शैम्पू मैंने यूज़ करने के बाद ही मैंने इसका जो है रिव्यू देने का सोचा कि ये है कैसा। एक्चुअली मेरा हेयर फॉल मुझे गर्मी की वजह से बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा कि उसको मैं लेके देखती हूँ कि ये कैसा है। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीद रहे हो ना, तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। जब भी आपको बॉटल रिसीव हो ना, तुरंत ही ओपन करके चेक कर लें कि उसका जो पंप है वो ठीक चल रहा है कि नहीं ठीक चल रहा है। ऐसा ना हो कि मेरी तरह आप थोड़े दिन बाद बॉटल ओपन करें और जब आप इसको यूज़ करने लगे तो अचानक से ये कूद के बाहर की तरफ गिर जाए। तो इट्स बेटर कि आप तुरंत चेक कर लें, और अगर आपका ऐसा डैमेज निकलता है तो तुरंत आप कस्टमर के कॉल कर कंप्लेन करें, फिर आपका प्रोडक्ट जो है रिप्लेस हो जाएगा। ये काम आप ज़रूर करिएगा। और इस तरह से ना मुझे तो लग गए झटके, तो मैं तो अभी यूज़ कर ली हूँ लगभग आधा, आप देख सकते हैं बॉटल खाली है इतनी, तो मैंने आधा यूज़ कर लिया। किसी तरह मैं खोल खोल के यूज़ कर लेती, लेकिन अब उसको दूसरी बॉटल में शिफ्ट कर दूँगी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे। तो चलिए चलते हैं कि वाओ शैम्पू पे कि ये कैसा है। थोड़ा लीक भी करने लगा था, लेकिन काफ़ी यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे लगाना ही लगाना था हेयर में, क्योंकि मैं शैम्पू पहले वाला फिनिश हो गया था। तो चलिए प्रोडक्ट को देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। भाई जो शैम्पू आएगा ये आएगा वाओ का, वाओ स्किन साइंस रेड ओनियन ब्लैक सीड ऑयल है इसका। मैंने फेस टोनर का भी रिव्यू दिया था, वो रेड ओनियन ब्लैक सीड का वो भी था। तो ये शैम्पू है, और ओनियन शैम्पू जानते हैं हेयर फॉल के लिए कितना ज़रूरी होता है। इसमें है रेड ओनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल एंड प्रो विटामिन B5, एंड आपका pH बैलेंस है इसमें, एंड नो पैराबेन, नो सल्फेट, सिलिकॉन कलर, PG, डर्माटोलॉजी टेस्टेड है, हेल्प स्ट्रेंथन सॉफ्टन एंड रियोस्टोर साइंस, मेड विथ नेचुरल एक्टिव्स एंड सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स, मेड इन इंडिया। और इसका जो इसमें जो गाइस क्वांटिटी वो 300 ml की है। तो इसमें क्या दिया कि हेल्प टैकल हेयर लॉस, स्कैल्प बिल्डअप एंड डल वीक हेयर विथ वाओ स्किन साइंस रेड ओनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या हेयर में स्कैल्प में प्रॉब्लम है या डल हेयर है, तो आप ये ज़रूर यूज़ करके देखिए इसको एक बार। द शैम्पू फॉर्मुलेटेड विद द नेचुरल इंग्रेडिएंट लाइक रेड ओनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल, प्रो विटामिन B5 हेल्प प्रमोट हेयर हेल्दी हेयर। द शैम्पू हेल्प इन, तो शैम्पू किस में हेल्प करता है गाइस? शैम्पू हेल्प करता है गाइस स्ट्रेंथन हेयर फॉलिकल, क्लियरली क्लाई ब्लॉक्ड रूट्स, स्मूथन हेयर क्यूटिकल्स डैट मेक देयर ग्लॉसी एंड लुक्टूरसियस। हाउ टू यूज वेट हेयर, मतलब इसको आपको यूज़ कैसे करना है? तो आपको बालों को गीला करके लूकवार्म वाटर के साथ और अपने बालों पे जेंटली लगाना शैम्पू को और मसाज करना है, और फिंगर टिप से और 2-3 मिनट बाद आपको धुल लेना है एंड मतलब ठंडे पानी से, और आराम से अच्छे आपको बालों से एकदम क्लीन कर लेना है। और लिखा है कि एडल फॉर डल ब्रेकरेज प्रोन हेयर एंड वीक रूट्स, रिजल्ट मे डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ योर हेयर टेक्चर। तो जैसा आपका बाल है उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा आपको। गाइस किसी को स्लो मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है। बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना है गाइस। दिया हुआ देखिए मेड इन द हिमालया, मतलब मेड इन इंडिया एंड फॉर्मुलेटेड इन USA, क्रुएल्टी फ्री, 100% वेगन है, ग्लूटेन फ्री है। फॉर मोर प्रोडक्ट आपको स्कैन करके सब जानकारी से मिल जाएगी। तो गाइस इसका आएगा MRP, इसकी आएगी MRP गाइस इसकी 499 पे, लेकिन डिस्काउंट अवेलेबल होता रहता है। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और लाइफ भी इसकी लगभग 1 साल की 2 साल की होती है, मतलब 24 मंथ तक इसकी लाइफ रहती है, मीन 2 साल की। अब मैं बता रही हूँ शैम्पू के बारे में गाइस, जिसकी एकदम हेल्दी हेयर है, तो क्यों हेयर को सॉफ्ट एंड नाइस रखने के लिए, सिल्की रखने के लिए शैम्पू यूज़ करना चाहती है, ये उसके लिए शैम्पू नहीं है। जैसे मेरे जब हेयर फॉल नहीं हो रहा था तब मैंने इसको यूज़ किया, मेरे अजीब से हेयर हो जा रहे थे, मतलब एकदम सॉफ्टनेस नहीं आती बालों में, लेकिन जब मैं
कंडीशनर लगाती थी तब वो सॉफ्टनेस आती थी। तो जिसके हेल्दी हेयर हैं मैं उनको नहीं रिकमेंड करूँगी कि ये शैम्पू ले, बट इसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और जो जो डील करता है मतलब डल हेयर एंड हेयर फॉल से, तो आप यूज़ कर सकते हो ओनियन शैम्पू, बहुत ही अच्छा वर्क करता है बालों पर। लेकिन हेल्दी हेयर वालों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो गाइज वाओ, ओनियन हेयर शैम्पू का रिव्यू आपको कैसा लगा? आई होप ये छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। हेल्दी हेयर वालों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। जिनको हेयर प्रॉब्लम, हेयर फॉल या उनको लगता है कि डल हेयर, डैमेज हेयर है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट आपका वेरी करेगा कि आपके बालों की कंडीशन किस तरह से है। ज़्यादा ख़राब है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा गाइस, लेकिन अगर हेल्दी हेयर है, अगर आप अच्छा खाते पीते तो ऑटोमेटिक बाल हेल्दी हो जाने हैं। और ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ओनियन शैम्पू को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।